सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा पांचवी के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग श्यामपट पर देख पा रहे हैं, हालांकि आप लोग मुझे नहीं श्यामपट को ही देख पा रहे हैं, तो जरा श्यामपट को ध्यान से लिखिए। मैंने पानी रे पानी के कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं, जरा देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर लिख करके कॉपी में रख दीजिए। देखिए, कौन सी किताब में जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है? भूगोल के किताब में। कौन सी किताब में? भूगोल के किताब में। जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर डैश में वापस मिल जाती है, समुद्र में वापस मिल जाती है, ठीक है? एक तरफ से शुरू होकर जो है समुद्र में मिलती दिखती है या वापस मिल जाती है, एक ही बात है। नल खोलने पर पानी के बदले कौन सी आवाज आती है? सू सू की आवाज आती है। पानी को देखकर कभी कभी डैश भी होती है। पानी को लेकर कभी कभी तू तू मैं क्या लिखा है? छोटा छोटा लिखा है, शायद समझ नहीं पा रहे हैं। तू तू मैं भी होती है। शहरों में कई चीजों की तरह डैश भी बिकने लगा है, पानी भी बिकने लगा है, ठीक है? फिर कम बारिश से क्या होता है? अकाल। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट कर दिया है, आपको लिख लेना है। ज्यादा बारिश से क्या होता है? ज्यादा बारिश से बाढ़ आती है। इतना पहले कीजिए और कुछ क्वेश्चंस फिर मैं डाल दूंगी, ठीक है? इतना कर लीजिए। चलिए, मैं इसी अवस्था में और क्वेश्चंस दे देती हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, मैं हट जाती हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ सी, मोर क्वेश्चन हैव बीन एडेड। क्वेश्चन नंबर 8, पानी रे पानी पाठ किसके द्वारा लिखित है? पानी रे पानी पाठ अनुपम मिश्रा द्वारा लिखित है। हमारी धरती एक बड़ी डैश की तरह है। किसकी तरह है? गुल्लक की तरह है, ठीक है? अकाल और बाढ़ क्या है? एक सिक्के के दो पहलू। तो इसके साथ पानी रे पानी चैप्टर हमारा पठन और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के साथ खत्म होता है। तो उम्मीद है यह पाठ आप लोगों के समझ में आया होगा। अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर लाइव क्लासेस में बताइए या फिर चैट में बताइए। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं दोबारा हट जाती हूँ। देख करके इस अवस्था में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, बाय स्टूडेंट्स।